सर नमस्कार जी, स्वागत है आपका। तो सर आपके फार्म का नाम और आपका परिचय और यहाँ का एड्रेस बताएं। हमारे फार्म का नाम है श्री वैजुमा डेयरी फार्म जी। हमारा गांव का नाम है बलोदर जी, डीसा तालुका बनासकांठा गुजरात। अच्छा, तो सर आपकी उम्र क्या है? हमारी उम्र है अभी 22 साल। और सर यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं, ये टोटल जो आपके पास जो गोवंश है कितना है टोटल, छोटे बड़े मिला के? हमारे पास 28 एचएफ है, 2 देसी है। अच्छा, और 12 बछिया है, छोटे बछिया, 3 भैंस है। अच्छा, और आपकी उम्र 22 साल। 22। और सर हमें बताएं, आप ये बिजनेस डेयरी फार्म का बिजनेस कितने सालों से चला रहे हैं? हमारे 4 साल हो गए। वो आपके पास ये सारी जो एचएफ गाय है वो यहाँ की जो क्रॉस ब्रीड है या ब्रीड है? नहीं, हमने पंजाब से लाया। तो सर हमें बताएं, जैसे कि हमारे जो पशुपालन भाई है वो ये फार्म शुरू करना चाहता है, तो वो शुरुआत में कितनी गाय लाए और उसके पास जो आर्थिक रूप से जो कमजोर है बंदा वो किस प्रकार मैनेज करे, क्योंकि उसके वो फार्म करना चाहता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो किस प्रकार शुरू करें और आपने किस प्रकार शुरुआत की थी, पहले कितने ये गायों से शुरुआत की थी और किस प्रकार की थी, थोड़ा बताएं हमें। हमने तो 2-3 गायों से शुरुआत की थी 4 साल पहले। अच्छा, फिर उसमें अच्छा लगा उससे लिए बढ़ाया हमने गाय को। अच्छा, और जो नया बंदा है उसको जो कम पैसा है वो 1-2 गाय से शुरुआत कर सकता है। तो सर यहाँ पर ये बनासकांठा है और ये बनासकांठा को वैसे तो रेगिस्तान कहा जाता है, यहाँ पर जो गर्मी होती है वो ज़्यादा होती है, और सर इतनी जो ब्रीड वाले जो गाय यहाँ पर जो सर्वाइव करने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, तो सर आप इतनी कम उम्र में ये सब कैसे ये सब मैनेज कर देते हैं सर, उसके अंदर क्या क्या दिक्कत है? क्योंकि ये ब्रीड वाले जो गाय है वो ठंडे प्रदेश की है और सर इतनी गर्मी में सर्वाइव नहीं कर पाते, तो सर थोड़ा स्ट्रिक्ट बताइए क्या क्या मैनेज करते हैं। हमने तो पहले तो गाय जो खरीदते हैं तब उसको सर्दी की ऋतु में लाना चाहिए। अच्छा, फिर गर्मी में थोड़ा परेशानी होती है उसलिए फैन फोगर लगाया हुआ है। अच्छा, और बीमारी आती है जी, लेकिन एडजस्ट कर लेते हैं उसमें कुछ। अच्छा, अच्छा, तो सर आप प्रॉपर 4 बरस से आप डेयरी फार्म शुरू करते थे, ठीक है, और जैसे जैसे समय जाता है आप ये पशु बढ़ाते हैं तो आप कोई बाहर से परचेज करते लाते या घर पर ही तैयार करते हैं? नहीं, हमने इस 1 साल पहले से बंद कर दिया है लाना। अच्छा, अब हम घर का तैयार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो टोटल जो आपके पास यहाँ पर जो अपन देख पा रहे हैं ये यहाँ पर जो सारी जो गोवंश है इसमें आपने बाहर परचेज करके कितने लाई और घर पे कितना तैयार की, थोड़ा बताएं। हमने बाहर से तो लाया था 30 गाय। अच्छा, और घर से तो इस साल ही शुरू किया है तैयार करना। अच्छा, पहले इतना ध्यान नहीं देते थे जी जी, अब थोड़ा अनुभव के ब्रीडिंग पे जाना है। अच्छा अच्छा, तो सर आपने 4 साल पहले शुरुआत की थी, ठीक है, आपने 3 गायों से शुरुआत की थी और 1 वर्ष में आप कितने गाय लाते थे? हर 1 साल में मैं 10 गाय लाता था, 10-12। और जो सारी जो गाय है वो आप कहाँ से लाते थे? हम तो वैसे तो पंजाब हरियाणा की गाय है। अच्छा, लेकिन वही जेतड़ा से लाते थे वही। अच्छा, तो आप कौन से इलेक्ट्रिशियन वाले कौन से बियात वाले लाते थे? पहले दूसरे, पहले और दूसरे। और कितना दूर होता है सर उसका? 12-13-14-15 टाइम में, दिन का 30 लीटर, दिन का 30 लीटर, 25-30 के बीच में। अच्छा, तो सर उसमें मैक्सिमम और मिनिमम कितनी कीमत हो जाती है एवरेज अपन माने तो? 50-60-65। अच्छा, ये ब्रीड वाले भी गाय इतने में मिल जाती है और फिलहाल मिल जाती है क्या? मिल जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर हमारे जो पशुपालन भाई है इस फील्ड में आना चाहता है, ठीक है, तो ये यहाँ की जो क्रॉस ब्रीड और ब्रीड उसमें क्या डिफरेंस है, थोड़ा बताएं। क्रॉस ब्रीड में क्या है कि वो दूध कम देती है, गर्मी अच्छा, में सर्वाइव करती है जी, लेकिन जो ब्रीड वाली गाय है वो दूध ज़्यादा देती है, थोड़ा गर्मी में परेशानी होती है जी, लेकिन रखनी तो ब्रीड वाली चाहिए। अच्छा, तो सर ब्रीड वाली वैसे तो दूध तो ज़्यादा ही देती है, ठीक है, तो ये मेन तकलीफ गर्मी के सीजन में रहती है, तो गर्मी के सीजन में क्या क्या उसे मैनेज करना होता है जो पशुपालन भाई को, आप किस प्रकार मैनेज करते हैं, क्योंकि आपके पास इतने हाई टेम्परेचर यहाँ पर 43-45 गर्मी वैसे है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर जो सारी जो ब्रीड वाली गाय है उसकी जो चमक है बहुत बढ़िया है, और जैसे कि हम काफ़ी फार्म पर ऐसे घूमते हैं जो सारी जो गोवंश है गर्मी के सीजन में एकदम वीकनेस दिखती है, दुबली पतली हो जाती है, तो आपके पास इतनी अट्टी कट्टी और पूरी तंदुरुस्त उसकी चमक है बढ़िया है और कोई भी गाय आप नहीं रही है, तो किस प्रकार आप मैनेज करते हैं, थोड़ा बताएं हमें। जैसे तो कि आप बोल रहे हैं कि फैन पंखे फोगर उसमें क्या क्या है, ये ब्रीड में क्या क्या होता है पूरा बताएं। फैन पंखे तो बात अलग है, लेकिन फीडिंग पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, फीडिंग में मिनरल देना पड़ता है, नमक जी और मीठा सोडा जी, सब उसको एडजस्ट करते हैं, चारा वारा सब मिक्स करके देते हैं जी। वो तो सर अपन प्रॉपर आगे जाके जानने के आप फीड में किस प्रकार मैनेज करते हैं, तो सर हमें बताएं कि आपके पास फिलहाल कितना गोवंश दूध दे रहा है? अभी हमारे पास 22 गाय दूध दे रही है। अच्छा, 22 गाय दूध दे रही है। अच्छा, और दिन का टोटल कितना होता है दूध? 350 के आजू बाजू हो जाता है। 350 दोनों टाइम का? दोनों टाइम दोनों टाइम का।
और सर आपका जो सारा दूध है वो बड़ा देरी में जाता होगा, और क्या फेट में जाता है? हमारे 4 के ऊपर ही आता है। 4 के ऊपर आता है, क्या बात है सर। तो वो भी तो स्पेशली आपसे जानना ही होगा कि आप फ्रीडम में क्या देते हैं, क्योंकि 4 के हमारे पास जो क्रॉस ब्रीड है, जो यहाँ की जो कांग्रेस क्रॉस होती है, जो हमारी देसी गोवंश के साथ क्रॉस करके यहाँ पर पशुपालन भाई गाय रखते हैं, लेकिन उसका जो फैट है वो तो 4 के अंदर ही आता है। आपके पास जो यहाँ पर ब्रीड वाली गाय है और दूध ज़्यादा है, ठीक है, उसका जो कैल्शियम की कमी हो जाती है तो फैट तो कम आता ही है हर पशुपालन में। तो आप ये फैट ज़्यादा आने का क्या रीज़न है वो अपन स्पेशली आपसे थोड़ा समय के बाद जानते। तो सर हमें बताया कि आपके पास ये टोटल जो दूध है वो 350 बोला ना आपने, 350, और एक दिन का कितना होता है, कितने पैसों का होता है? हो जाता है 11,000 का। और उसमें अंदर जो खर्चा वर्चा निकाल कर प्रॉफिट कितना बचा है? प्रॉफिट 20% 25% जैसा रहता है। 20 से 25% यानी कि 11,000 का, यानी कि आप 3,000 बचता है कि ज़्यादा बचता है? 3,000 बोनस अलग, 3,000 प्रॉपर आपका रोज का बचता है, यानी कि 1,00,000 रुपये आपको महीने का प्रॉपर मिल जाता है, ठीक है, और 12 महीने का 12,000, तो 1,00,000 तो वैसे तो प्रोफेसर का पगार होता है, ठीक है, वो बात तो सही है। सही है। तो सर आप इतनी कम उम्र में हमारे पशुपालन भाई के लिए आप एक बड़ी चैलेंज है, क्योंकि आप इतनी 22 साल की उम्र में इतना बड़ा फार्म मैनेज करते हैं, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और सर इतने ज़्यादा मात्रा में ब्रीड गाय यहाँ पर एग्जिस्ट करना, मैं बनासकांठा में घूमता हूँ, ठीक है, जो बड़े बड़े जो पशुपालन भैया उसे एक्सपीरियंस ज़्यादा है तभी ये सर्वे कर लेते हैं। तो सर हमें बताएं, जैसे कि आपके पास यहाँ पर जो ये अपन देख पा रहे हैं ये सिंग वाली गाय, कुछ ये बड़ी बड़ी, ये ब्रीड वाली या क्रॉस ब्रीड है? नहीं, सभी ब्रीड में। सभी ब्रीड में। इस साल आपका कितना टोटल टर्न ओवर होने वाला है इस साल? इस साल का तो हमारा 3rd महीने में उसका काउंटर हो गया है जी, वो 29.5 लाख रुपये का हुआ है टोटल। 12 महीने का टोटल, ये 3rd महीने में टोटल हो जाता है, कैलकुलेटर हो गया, और 29.5 लाख का हुआ मार्च के एंड में, 29 लाख का हुआ, ठीक है। और अपना जो मुनाफा बोलते हैं वो तो 20 से 25 इतना मिल जाता है। तो आप हमें ये बताएं कि मोटा मोटी टोटल कितना टर्न होगा ये मुनाफा और सब? हो जाता है बोनस के साथ 12-13-14 लाख टोटल, गोबर गोबर सब आ गया। अच्छा। तो सर हमें बताएं, जैसे कि इतनी सारी गोवंश है उसमें सबसे बड़ी जो चैलेंज होती है फीडिंग और मैनेजमेंट, और जो आप बोलते हैं ना हाउसिंग, जो पशु को किस प्रकार रखा जाता है। मित्रों, यहाँ पर पशु को किस प्रकार रखा जाता है और ये गर्मी में सबसे ज़्यादा तकलीफें होती है, तो क्या क्या मैनेज किया जाता है वो भी अपन जानते हैं। तो सर हमें बताएं, ये सारे जो पशु है उससे आप फीड में क्या देते हैं? फीड में हमें अभी पंजाब की कंपनी तिवाना जी, 2 साल से मैं खिला रहा हूँ। अच्छा। और उसके पास उसके अंदर फैट और विटामिन की भरपूर मात्रा है। अच्छा। पशु के लोग अनुकूल है इसके लिए। अच्छा, तो आपने फीड में क्या क्या कौन कौन से फीड का इस्तेमाल किया? पहले मैंने बहुत खिलाया, बहुत कंपनी का, पंजाब की कोई कंपनी ऐसी नहीं है मैंने फीड नहीं खिलाया। कौन कौन सी थोड़ा नाम बताया, क्योंकि अपन तारा का खिलाया, तारा खिलाया, तारा भी खिलाया, सब खिलाया, डीओस भी खिलाया, लेकिन उसको मेरे को रिजल्ट सेट नहीं हुआ। अच्छा। मैंने जब टिवाना लाया जी सेट हो गया, उसके साथ में मिनरल खिलाता हूँ जी, और सर्दियों में कैल्शियम हम देते हैं जी। अच्छा, तो आप ये फीड खिलाने के बाद आपको क्या पॉजिटिव व्यू मिला, क्या उसके अंदर ऐसा अच्छा जानने को मिला आपको? जो आपने पहले बोला है कि वो गाय की कोई टूटी फूटी गाय नहीं है। अच्छा। वही मेन, तो मेन रिजल्ट वही है। अच्छा। दूध भी ज़्यादा दे रही है और बॉडी वेट एकदम सही है उसका। जी जी जी। तो सर आप टोटल फीडिंग, यानी कि आपके पास है सबसे ज़्यादा एक गाय का अधिक दूध देने का क्या रिकॉर्ड है? हमारे पास 2-3 गाय ऐसी जो टाइम का 20 लीटर के ऊपर देती है दूध, एक टाइम का, यानी कि 40 लीटर वाली गाय है। अच्छा सर, तो सर आप हमें बताएं कि आप AI भी करते हैं? खुद का करते हैं। AI खुद करते हैं, ठीक है। तो आप सीमन पे अच्छे यूज़ करते होगे? सब इम्पोर्टेड। तो कहाँ से लाते हैं आप सीमन? हम का सीमन तो मिल जाता है इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। अच्छा, तो कौन कौन से सीमन आप इस्तेमाल करते हैं? अभी तो मेरा डेनमार्क का चल रहा है, इस साल ही मैंने चालू किया। अच्छा। मैंने पहले इतना ध्यान नहीं दिया था। अच्छा। डेनमार्क 2-3 लगाया था लेकिन बराबर सेट नहीं हुआ, इस बार थोड़ा अच्छे तरीके से शुरुआत की है। अच्छा, तो उसका रिकॉर्ड क्या रहता है? उसका तो 12,000+। 12,000+। तो सर हमारे जो काफ़ी पशुपालन भाई ऐसे बोलते हैं कि जो 20,000 रिकॉर्ड वाले सीमन यहाँ पर उपलब्ध है, तो आप वो इस्तेमाल क्यों नहीं करते? लेकिन 20,000 तो बात सही है, लेकिन गाय हमारी है 7-8 हज़ार वाली जी, दिन का टाइम का जी, उसको 10-12 हज़ार का सीमन लगता है, 20,000 का तो बहुत डायरेक्ट नहीं लगता, क्योंकि वो डायरेक्टली उसका इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा जाता है। जी जी जी। तो सर आप फीडिंग में
तिवाना इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अकेला तिवाना ही डालते हैं फीड में, फीड में, फीड में तो अकेला ही आप तिवाना इस्तेमाल करते हैं, और मिनरल तो आप अलग देते ही होंगे। तो सर हमें बताइए, जैसे कि आपके पास सबसे अधिक 40 लीटर वाली जो गाय है, दिन का 40 लीटर, एक टाइम का 20 लीटर, तो 40 लीटर वाली गाय को आप समझ लो कि एक टाइम का 20 लीटर है, तो 20 लीटर के पीछे आप कितना फीड देते हैं? मैं 8 से 9 किलो टाइम का, एक टाइम का 8 से 9 किलो, और 30 केजी जैसा हरा चारा सुबह के साथ मिक्स किया। 30 केजी आप सुबह में 8 केजी, सुबह में 8 केजी जी, शाम को 8 केजी, यानी कि 16 केजी, 16 केजी, ठीक है। और जो हरा चारा व सूखा चारा वो आप कितने बजे देते हैं? सुबह में 8 बजे पहले जी, शाम को 3 बजे के आज। अच्छा, और दो टाइम ही देते हैं? और एक टाइम का आप कितना केजी देते हैं? एवरेज 20 केजी गाय को, एवरेज 20 केजी एक गाय को, दिन का 40 केजी जी 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 सारा जी जी जी। तो हमारे जो काफ़ी पशुपालन भाई है, उससे गर्मी में काफ़ी ऐसे जो सोचते कि गर्मी में गाय का दूध कैसे बढ़ाएं, तो मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो गर्मी के मौसम में, मोस्ट ऑफली गर्मी के मौसम में गायों का स्वस्थ, कीटाणु रहित और फार्म को एकदम क्लीन रखना अति आवश्यक है। मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 साल का युवा, बहुत ही गजब का, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं बहुत ही गजब की यहाँ पर ब्रीड वाली गाय है। मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जो पंजाब हरियाणा नहीं है, भाई बनासकांठा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर गर्मी होती है, तो भी उसकी जो अंडर की जो बनावट है, चमड़ी की जो बनावट है, मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं, और फिलहाल दूध निकाल दिया है सभी गायों का, ठीक है। मैं मिल्किंग वाला भी वीडियो आपको साथ में दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर के पास कुछ छोटी छोटी बछड़ियाँ हैं। और मित्रों दूध बढ़ाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा बाड़े को क्लीन रखना, और हर पशु के सामने पानी की व्यवस्था उपलब्ध करवाना। मित्रों हर एक लीटर दूध के पीछे 2.5 लीटर पानी की मात्रा रहती है, तो हर पशु के लिए 24 घंटे पानी उपलब्ध करवाना अति आवश्यक है। गौवंश के ऊपर पंखे भी है सर, आपके फोकर भी है, फोकर इस्तेमाल करते हैं, फोकर भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो पूरा जो शेड है, हवादार है, खुला है, उसके अंदर जो वेंटिलेशन है, ठंडी है, बहुत बढ़िया है। और गाय को जो खुले बाड़े में अपन फिलहाल यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे हैं, इस हिसाब से यहाँ पर गाय सारी बंधी हुई है, लेकिन अपन ये वीडियो शूट करने के बाद ये यहाँ पर चली जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल जो हरा चारा है वो खेत से आ गया, और यहाँ पर जो चाप कट रहा है उसे कटाई करके ये गाय को दिया जाएगा। सर ये जो हरा चारा आया वो प्रॉपर यहाँ पर देंगे या बाड़े में देंगे? नहीं, इधर ही, इधर ही चारा दाना, इधर चारा दाना इधर, और बाद में आप शाम को खोल देंगे, शाम को खोल देंगे जी। ये ब्रीड वाली गाय है, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा जो चैलेंज लगती है, क्योंकि हमारे जो पशुपालन भाई है इस फील्ड में आना चाहता है, आप समझ लो कोई भी पशुपालन भाई इस फील्ड में आना चाहता है, लेकिन वो ऐसे बोलता है कि अपन पशु ला देंगे और उसे खिलाएंगे, दूध निकालेंगे, अपन डेयरी में देंगे और पैसा कमाएंगे। लेकिन ये ब्रीड वाली जो गाय है, ऐसे बोलते हैं कि पंजाब हरियाणा से लाएंगे, और वो बिना मेहनत के ऐसे ही देते हैं, कितना चारा चाहिए, कितने दूध के पीछे कितना चारा चाहिए, हरा चारा फिर किस प्रकार चाहिए, और इस जो सारी जो गोमस है इसे किस प्रकार मैनेज करनी होती है, थोड़ा गुरु मंत्र हमें दीजिए क्या क्या मैनेज करना होता है। जो गाय लाने में तो क्या है, पैसे से सब मिलता है जी, लेकिन इधर से लाकर इधर लाने में उसको गाय को सेट करने में चैलेंज बहुत है। अच्छा, उसको जब नई नई लाते थे, एक महीने तक थोड़ी बीमारी रहती है जी, दूध कम निकालती है, क्योंकि उसको उधर का क्या है कि ठंडा वातावरण जी, सही बात है, बनासकांठा में थोड़ा गर्म है जी, इसीलिए हमको एडजस्ट करना पड़ता है जी जी, और हमने किया भी है जी जी। यानी कि ये कोई भी गाय अपन वहाँ से लाते हैं, पंजाब हरियाणा जो कोई भी अपन कहीं से बेंगलोर भी से लाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आती है तो आपको 15-20 दिन तो ऐसे ही वो ऐसे ही बिना बोलेंगे, बिना खाएंगे, बिना ये जुगाली करेंगे, स्ट्रेस में तो रहेंगे, उसके बाद वो मैनेज हो जाएंगे। तो सर उसमें क्या क्या, ये पशुपालन में ये उसमें क्या क्या चैलेंज आपको आपने फेस किया, क्या क्या चैलेंज फेस किया? पहले तो आने के बाद तो उसको पहले तो मेन बीमारी रहती है उसको फाइलेरिया जी, बबेसियस जी, मस्टाइटिस जी, वो तो नॉर्मल चीज़ है जी, लेकिन लाने के इधर क्या है कि उसको बीमारी आ जाती है, जहर नहीं गिरता है जी, बच्चा फंस जाता है जी, फिर उसको चारा बारा नहीं खाता, दाना नहीं सेट होता है जी, लेकिन धीरे धीरे हम तो क्या है कि हम तो हाथ से ही दवाई करते हैं सब जी, धीरे धीरे सेट कर देते हैं गाय जी जी जी। जो ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय है वो दूध ज़्यादा देंगे तो उसके पीछे उसका जो कैल्शियम है, यानी कि वो शरीर के अंदर जो कैल्शियम होता है वो दूध के साथ चला जाता है, तो आपको अच्छा मिनरल मिक्सर और कैल्शियम भी देना अति आवश्यक है। तो सर हम आप फीड में किस प्रकार मैनेज करते हैं और कौन सा फीड का इस्तेमाल करते हैं वो प्रॉपर हमें प्रैक्टिकली दिखाए। तो मित्रों यहाँ पर सर प्रॉपर जो यहाँ पर जो ब्रीड वाली गाय है, मित्रों सबसे बड़ा जो चैलेंज का जो काम होता है फीड,
फीडिंग आप क्या क्या फीड इस्तेमाल करते हैं और वो किस प्रकार का है पूरा अपन विस्तार से जानते हैं। तो सर ये आपने बोला टीवाना है, ठीक है, उसका जो परसेंटेज जो रेशियो होता है 8000, उसमें क्या क्या 8000 है, कुछ आता है ना? हाँ, 10000 भी आता है, 10000 वो 5000 भी आता है, वो 5000 ड्राई वाले पशु के लिए होगा। नहीं, 5000 है 5-6 लीटर टाइम का दूध, 10-12 लीटर। अच्छा, यानी कि ये 15 लीटर के ऊपर के है। अच्छा, और इससे ऊपर 20 लीटर के ऊपर भी आता है 10000, वो 10000 आता है। जी। तो सर ये टीवाना फीड है और ये कंपनी पंजाब की है। अच्छा, और ये उसका रिजल्ट कैसा है? एकदम बढ़िया। अच्छा, 2 साल से खिला रहे हैं हम लोग। अच्छा, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी पका हो। तो सर ये किस प्रकार आप देते हैं? सुखाई, ऐसे सुखाई खिला देते हैं और पशु बड़े आराम से चाव से खा लेती है। जी सर, तो ये आपको आप बोल रहे हैं कि अपन 1 लीटर पे 400 ग्राम आप दे रहे हैं, 400 ग्राम, ठीक है। तो आपके पास जो 20 लीटर एक टाइम का दूध दे रही है उससे आप 8 केजी प्रॉपर देते हैं, उसके अलावा आप एक्स्ट्रा कोई 1-2 केजी नहीं देते, तो उसके पीछे क्या रीजन है? क्या कि हमारे पास क्या है कि चारा बहुत है। अच्छा, चारा खिलाते, घर का सब लगा हुआ चारा है जी, चारा हम अच्छे से कटिंग करके देते और पूरा भरपूर अच्छा, देते। अच्छा, और चारा में आप क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? अभी नेपियर है जी, बाजरा है। अच्छा, और अभी मक्का लगाया हुआ है। अच्छा, और ज्वार भी लगाते हैं जी। तो आप फीड में प्रॉपर एक ही फीड का इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा आप कोई नहीं, जो अनाज है एक्स्ट्रा कुछ नहीं देते? हमारे जो काफी पशुपालन भाई एक्स्ट्रा फीड वो ये अनाज बना देते हैं, अकेला ही देते हैं। आपको कैसा रिजल्ट लगता है? बढ़िया है, एकदम बढ़िया रिजल्ट है। और उसके अलावा आप क्या इस्तेमाल करते हैं? कैल्शियम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? वो वोस्टोवेट, वीरबेक कंपनी का वोस्टोवेट। सर, वोस्टोवेट का रिजल्ट तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, वो तो मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ। और मिनरल में कैमिन देते हैं। अच्छा, वो उसका कैमिन का रिजल्ट क्या है? बढ़िया एकदम, कैमिन इंडिया की टॉप लेवल कंपनी है। अच्छा, तो ये वोस्टोवेट है उसमें 1 लीटर पे क्या मूल्य है? वो पड़ता है हमको होलसेल में, जो आप क्वांटिटी मिलेंगे तो 130 रुपया केजी का। तो आप एक पशु के पीछे कितना कैल्शियम देते हैं? एक पशु के पीछे हम देते हैं 50 ग्राम टाइम का, 50 ग्राम, और पूरे दिन का 100 ग्राम एग्जस्ट हो जाता है। अच्छा, तो आप एक्स्ट्रा और क्या देते हैं? और बना सुपर फैट है अभी गर्मी ये बना सुपर फैट। हाँ जी, ये इसका रिजल्ट बढ़िया है, ये जो पिसली फैट के लिए है और उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो क्या जो आप ये पहले खिलाते थे क्या? नहीं, ये गर्मी में डालते हैं। अच्छा, गर्मी में ये सब एडजस्ट करना होता है, गर्मी कम लगती है गाय जी, नमक भी डालते हैं। अच्छा, नमक एक्स्ट्रा देते हैं क्या? एक्स्ट्रा देते। वो कौन सा नमक देते हैं आप जो घर में खाने वाला है? वही देते हैं खाने वाला जी। और ये किस प्रकार देते हैं आप एक पशु को? ये एक पशु को 100 ग्राम, एक पशु 10 ग्राम, एक पशु को 100 ग्राम टाइम का, दिन का 200 ग्राम, दिन का 200 ग्राम। ये क्या रेट में आता है? ये पड़ता है हमको 180 के, 2 केजी का बैग 180 रुपये, 180 यानी कि 90 रुपये 1 केजी। ये जो अपना जो बाईपास फैट बोलते हैं यही है ना? हाँ, यही है पशु का फैट ऐसे लेने के लिए ये प्रॉपर यही आप इस्तेमाल करते हैं। तो सर, आप ओवरऑल हमारे पशुपालन भाई को क्या कहना चाहते हैं? ओवरऑल तो क्या है कि मेहनत ज़्यादा है इसमें जी, और थोड़ा अनुभव होना चाहिए जी। और सर, आपका जो पिछले साल क्या टर्नओवर रहा था इस फार्म का? 28 लाख 28 लाख 28 लाख। और जो बोनस मिलता है वो कितना मिला था आपको? 7 लाख का जो है। अच्छा, और आप ये जो यहाँ पर जो गोबर होता है वो भी कुछ सेल करते हो? सेल करते हैं। 12 महीने आप कितना सेल करते हो? गए डेढ़ से दो लाख के बीच में, 1.5 से 2 लाख आसपास। और कोई यहाँ पर कोई पशु आप तैयार करके सेल करते हैं क्या? सेल करते हैं क्या? अब चालू करना है सेल करना। अच्छा, तो वो भी एक एक्स्ट्रा बोनस है, एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो थैंक यू सर हमारे साथ जुड़कर, हमें शानदार माया दीदी, सबको तहे दिल से धन्यवाद।